कालिम्पोङ कल 5 तारिक हौ 10 बजे कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी हम लोग फॉर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ करना होगा और जीटीए का जो जो भी डेवलपमेंट वर्क्स है उनको देखना है, देखने के लिए तो ये वर्किंग कमेटी होगा। और अभी तक कालिम्पोंग में 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनमें से 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म हो चुका है, दो बाकी है और विद इन दिस वीक वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पूरा होगा। उसके बाद में हम लोग का यहाँ डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी कल बन जाएगा और फुल फ्लेजर कमेटी आप तो 2-1 महीने पर हम लोग कर देंगे, लेकिन कल हम लोग सभी बुलाए, सभी को बुलाए के यहाँ पे सिर्फ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नहीं है, लेकिन आज न्यूट्रल फेज भी आ रहे हैं, सभी को लेके हम लोग कल एक वर्किंग कमेटी बनाएंगे। तो वो वर्किंग कमेटी ऐसा हो कि साफ साफ सुधार सभी हो, ताकि कालिम्पोंग के लिए कुछ करें वो लीडरशिप, तो ये हम लोग का प्लान। देखिए 19 नवंबर को हम लोग को दार्जिलिंग में है, तो विद इन दिस वीक या 10 दिन के अंदर हम कालिम्पोंग में भी हम लोग एक मीटिंग करेंगे। डेट तय नहीं हुआ, ये कल वर्किंग मीटिंग में तय किया जाएगा। कालिम्पोंग से आप लोग को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? ना कालिम्पोंग में पब्लिक का तो बहुत रेस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन जो हमारा पुराना लीडर है वो अभी तक भी वो आगे नहीं आए, तो उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कल का मीटिंग में आए और पार्टिसिपेट करें, अगर वो लोग आने से कोई एतराज है तो उसमें भी हम लोग कुछ कहने नहीं। लेकिन कालिम्पोंग म्यूनसिपैलिटी अभी तक आप लोगों के पास में नहीं आया है? देखिए अभी चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन भी है, लेकिन नॉर्मली से अभी पूरी तरह नहीं आया, और तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में ये सब कालिम्पोंग में जो भी अच्छा ही होगा।